आपको बताता हूँ कि मजेंटो एडमिन पैनल में हम किस तरीके से CSV फाइल को इंपोर्ट कराकर कई सारे प्रोडक्ट एक साथ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जो प्रोडक्ट अपलोड कराने हैं उसकी इमेज सर्वर पर चढ़ानी होती हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम लॉगिन करते हैं। देखिए मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ अपना एडमिन पैनल। एडमिन पैनल लॉगिन हो गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सर्वर पर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पाथ है जहाँ हमने इमेजेस को अपलोड किया है। ये सारी इमेजेस दिखाई जा रही हैं आपको यहाँ पर, साथ में उसका साइज़ क्या है प्लस किस डेट में ये अपलोड हो रहे हैं, ये आपको सर्वर पर इंफॉर्मेशन फाइल के द्वारा देख ली जाएगी वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। मैं इसका बताऊँगा कि यहाँ पर एक CSV फाइल भी दिख रही है आपको, ये मैंने अपलोड की है। चलिए मैं एडमिन पैनल पर जाता हूँ, यहाँ पर यहाँ जाता हूँ मैं सिस्टम पर और ये डाटा प्रोफाइल पर ये लोड हो गया। ये यहाँ पर पहले से ही खुला हुआ था। ये यहाँ पर मैंने इंपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर दिया है। ये विंडो ओपन हो गई है जहाँ से मैं CSV फाइल को अपलोड करूँगा। ये देखिए अपलोड के लिए मैंने फाइल की क्लिक किया है। यहाँ ब्राउज करके वो फाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम से ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है ओपन, और यहाँ पर ये फाइल का नाम दिखा रहा है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर चलता हूँ। फाइल मेरी यहाँ अपलोड हो गई है, दी जाए आपको ऊपर राइट कलर में। अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल सक्सेसफुली अपलोड हुई है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा रन प्रोफाइल पर जाएंगे। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में जाकर अपनी फाइल ढूंढेंगे जिस नाम से अपनी फाइल अपलोड की है। ये रही फाइल, ये क्लिक किया, फिर मैं इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ। यहाँ पर दिखा रहा है हमारी प्रोग्रेस कि हमारी कितनी फाइल हैं, कितनी टोटल फाइलें हैं, यहाँ कितनी अपलोड हो चुकी हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर हमारी सारी की सारी फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। 100% दिखा रहा है, 9 में से 9 फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे सर्वर पर जा चुके हैं एक ही साथ। जब हमारे इंडेक्सेस रिफ्रेश हो जाएंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगी और यहाँ ये दुनिया बंद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, फिर मिलेंगे। गुड नाइट।